अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। नमस्ते जी। मैं तो बड़ी खुश हूँ इस लॉकडाउन से। सारे जने, मेरा पूरा परिवार एक साथ होता है घर के अंदर। हम साथ रहते हैं, साथ खाते हैं, साथ गेम्स खेलते हैं। मुझे तो बड़े मजे आ रहे हैं। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा और मेरी बहू। नमस्ते जी। आई रियली थिंक कि ये तो बिल्कुल लॉकडाउन का समय ना बिल्कुल गोल्डन अपॉर्चुनिटी जैसा है। इसका जी पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए। पर ना कहाँ टाइम मिलता है कि पूरी फैमिली के साथ आप एक ही छत के नीचे रह रहे हो। इतना मन को सुकून मिलता है ना इस चीज से कि मैं बहू आ गई बुढ़ी दिमाग खराब करने के लिए। अरे मम्मी जी, एक तो ये फैंसी ड्रेस भी तो करके बैठना पड़ता है घर में। आई हमने तो भैया बचपन से सीखा है, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज। आगे क्या था? चल जो भी हो। हमारे बुजुर्गों ने तो हमें यही सिखाया कि अपने घर में चाहे देर तक तान के सो लो, पर ससुराल में तो सासू माँ से पहले उठ के उनको चाय पिलानी होती है। लगता है हमारी बहू बचपन से ही हेडफोन लगा के टिकटॉक देखती रही, क्योंकि जब ये सिखाया गया उसने सुना ही नहीं। 9-9 बजे तक सोती है महारानी साहिबा। आजकल हम अपनी चाय खुद ही बना लेते हैं जी। बिल्कुल मेरे बेटी जैसी है। ये कहकर मेरी विदाई में मेरे पूरे परिवार को पागल बनाने वाली औरत अपने लिए एक कप चाय तो बना ही सकती है। और सुबह जल्दी उठ के करना क्या है? हाँ, ना किसी ने काम पे जाना, ना किसी के लिए टिफिन पैक करना, ना खुद निकल के काम पे जाना। और आजकल तो हमारी मम्मी जी सेविंग्स के नाम पे सिर्फ ब्रंच ही करती हैं, तो नाश्ता नहीं बनाना होता। तो अगर उठ के बस इनकी शक्ल देखनी है तो वो तो मैं रात को अपने डरावने सपनों में देख ही रही हूँ। आप प्लीज हमारे घर की हालत को माइंड ना करें। वो क्या है ना, आजकल हमारे घर की सफाई ढंग से नहीं होती। संगीता नहीं आती ना, और हमारे बहू को काम करने बोलना यानी गोलगप्पे वाले से दूसरी बार मुफ्त की सूखी पूरी मांगने जैसा है। ऐसे देखते हैं जैसे मैंने उनके घुटनों की दोनों कटोरियां मांग ली हूँ। बहू काम कर दे, हो बहू ये उठा दे, हो बहू चाय बना दे, हो बहू ऐसे हो करना बंद कर, हो बताओ जरा। कोई आएगा तो क्या कहेगा, मालती का घर कैसे फैला पड़ा है। ऐसा लगता है जैसे भूतनी नाच के गई हो। इस लॉकडाउन में ना बगल की मिश्रा आंटी चीनी मांगने नहीं आती। इनको क्या लगता है क्वीन ऑफ इंग्लैंड आने वाली है इनके घर में इनको जज करने के लिए कि ओहो मालती तूने टीवी बस सामने से साफ किया, पीछे तो सारी धूल वैसी की वैसी है। ऐसा लगता है कि डस्टबिन पे नहीं ये डस्ट पे जाके बैठ जाती है। सारा दिन घर में खाली बैठी रहती है और पूरे घर में घूमती रहती है कि ओहो ये देख मुझे यहाँ धूल मिल गई, ओहो इस कोने में धूल रह गई। डोरा द एक्सप्लोरर की दादी। वो कहते हैं ना, कोई किसी का सगा नहीं होता इस निर्दयी दुनिया में। मेरा भी इस घर में कुछ ऐसा ही हाल है। जिस औलाद को 9 महीने अपने पेट में और 27 साल इस घर में पाला, वही कभी कभी ऐसे दगा दे जाता है जैसे मैं उसकी सौतेली माँ हूँ। बीवी के आते इस बूढ़ी माँ को भूल गया। उस दिन मैंने उससे कहा कि बेटा एक बूंद पानी पिला दे इस प्यासी माँ को, तो पता है क्या कहता? कहता खुद पी लो मम्मी। अपने हाथों पे ना नेल पेंट लगा के बैठी थी सासू माँ। ड्रामे तो ऐसे करती है जैसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की बात यही है, सबसे दुखी। और वैसे भी ये सारा दिन काम में लगे रहते हैं। हाँ, सुबह उठ के पहले नीचे से जाके दूध ले आओ, फिर झाड़ू करो, पोछा करो, बर्तन करो, डस्टिंग करो, और उसके बाद 10 बजे ठीक इनका ऑफिस का काम शुरू हो जाता है। तो इनके पास टाइम कहाँ है मम्मी जी के ड्रामे उठाने के लिए? सुनो, मीटिंग में हो क्या यार, एक कप चाय पिला दो। देखा अभी भी कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है इनकी, लेकिन मम्मी जी को ये कहाँ सुनना है। अगर मेरे पास अलादीन का चिराग होता ना, तो मैं 3 नहीं बस 1 विश मांगती कि जीनी जी आप मेरी बहू का मोबाइल गायब कर दो। आजकल तो शक्ल पे अगर ऐसे मोबाइल लगाना हो ना, तो मैं तो पहचानूंगी भी नहीं कि हाँ हाँ यही मेरी बहू है। सारा दिन उस पर टुक 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 टुक, जरा होश नहीं होता कि घर में क्या चल रहा है। बुलाना हो तो मैं आवाज कम कॉल ज्यादा लगाती हूँ। कुछ भी करने को बोलो ना तो मैडम फोन पे चिपकी होती है। बस अगर मैं चली जाऊँ ना, ये कह के कि बेटा बता दे जरा इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे बनाते हैं, तभी उसको बाल्टी में रखे गीले कपड़े याद आते कि मम्मी जी सुखा के आती हूँ। बहू ये देखना जरा, फूफा जी ने क्या भेजा है, डाउनलोड नहीं हो रहा व्हाट्सएप पर। मम्मी जी वो कपड़े धुल गए होंगे ना, मैं सुखा के आती हूँ फिर बताती हूँ। हाँ बहू ये
इंस्टाग्राम पे स्टोरी कैसे बनाते हैं? पौधों में पानी डालना भूल गई, बस अभी डाल के आती हूँ मम्मी जी, फिर बताती हूँ। हाँ बहू, ये वीडियो कॉल कैसे होती है? डस्टिंग तो करी नहीं, हर रोज भूल जाती हूँ, बस वो करके आती हूँ फिर आपको बताती हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है। मधु क्या हो रहा है? फिर मैं कहना मालती को काम करवाना नहीं आता। मालती 1 बहू 0। सुनो मम्मी जी ने बताया अभी क्या किया। Finished shooting the whole video and then realized, oh ho, end में subscribe करने को तो बोला ही नहीं। अब luckily for me ये सास बहु वाला जो scene है ये मेरे घर में नहीं चल रहा है, but someone I know is going through something like this and you know who you are and I'm sure कि आप भी जो देख रहे हैं कुछ लोगों के लिए ये एकदम personal होगा, या कुछ लोगों के पास किसी ना किसी अपने newly married friend का या फिर अपनी बड़ी बहन का phone आता होगा कि पता है मेरी सास ऐसे मेरा जीना खराब करके रखा हुआ है। प्लीज ये वीडियो एकदम चुपके से उनको WhatsApp पे भेज दे, और अगर आप मेरी तरह रिबेल हैं तो इस वीडियो को WhatsApp ग्रुप्स पे शेयर कर दीजिए, देखा जाएगा जो होगा। वैसे भी लॉकडाउन में आके थोड़े ना मारने वाले हैं, ठीक है? Let me know what you think about it, कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा। I'm trying my best to create as much content and keep it as light-hearted as possible, but at the same time बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सिचुएशन की गंभीरता को ना भूले और हम अपने घर में बैठे एकदम स्ट्रिक्टली प्लीज लॉकडाउन फॉलो करें एंड वॉच कॉन्टेंट। यार बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियोज निकाल रहे हैं, उनको देखो, उनको शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज, इट्स फ्री। आई विल सी यू अगेन ऑन सैटरडे। वी मीट, लव लव।